जेएनयू में देशद्रोही नारे लगाने के मामले में 3 साल बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आखिर चुनाव के समय ही पुलिस ने यह चार्जशीट दाखिल क्यों की। वहीं इस सियासत के बीच आज सभी की निगाहें पटियाला हाउस कोर्ट पर टिकी थी, जहाँ मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे 19 जनवरी तक टाल दिया गया। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने का सच क्या है? क्या वाकई 3 साल पहले देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में छात्रों ने देश विरोधी नारे लगाए थे? जब से दिल्ली पुलिस ने जेएनयू मामले को लेकर अपनी चार्जशीट दाखिल की है, तब से ये सवाल सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों में गूंज रहे हैं। यहाँ तक कि अब विपक्ष के नेता तो चार्जशीट की टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जेएनयू मामले में आरोप पत्र दाखिल किए जाने से उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ है, क्योंकि देश में आम चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2019 के चुनावों में हर बार की तरह वोट पाने के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल हर राजनीतिक दल अपना हित साध रहे हैं। उन्होंने कश्मीरियों के प्रति चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय दलों के इस कदम के लिए कितने कश्मीरियों और उनके परिवारों को कीमत चुकानी होगी। दरअसल मुफ्ती ने यह आरोप उस चार्जशीट को लेकर लगाया है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार, उमर खालिद समेत 10 लोगों के खिलाफ देशद्रोही नारे लगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सोमवार को 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसी को लेकर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन मामले की सुनवाई करने वाले पटियाला हाउस कोर्ट के जज के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई टल गई। अब 19 जनवरी को अदालत में जिरह होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।